गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अगला टॉपिक जो ले रहे हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे, उसके बाद में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की हमें द इंस्टीट्यूट एट वर्क। अभी इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट काम करते, द इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर द सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1890। मैंने प्लांट की स्टडी करने के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल की स्टडी करने के लिए ये अलग अलग इंस्टीट्यूट इंडिया ने तैयार किए हुए, इसमें यानी प्लांट और एनिमल इनको कंजर्व करने के लिए यानी इनको बचाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट तैयार किए हुए, कुछ इंस्टीट्यूट इसके ऊपर वर्क करते। बॉटनिकल सर्वे, बॉटनिकल यानी कि जो प्लांट की स्टडी करते, और जूलॉजिकल सर्वे इन 1960। जूलॉजिकल सर्वे मीन्स, जूलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इन केस यू फाइंड द अनफेमिलियर प्लांट्स और एनिमल्स इन योर सराउंडिंग, यू कैन कम्युनिकेट विद दीज इंस्टीट्यूट टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अभी इसके थ्रू ये जो इंस्टीट्यूट है, इनके थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। अतः इन व्हाट वे आर द प्लांट्स एंड एनिमल यूजफुल टू अस, अभी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है, एनिमल्स में जैसे काऊ है, बफेलो है, ऑक्स है, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, या डॉग है, डॉग हमारे लिए कैसा हेल्पफुल है ना, ऐसा डॉग जो है कि अपने गार्ड करता है ना, प्रोटेक्शन करता हमारे हाउस के, ऐसा ये इसके ऐसी स्टडी करने के। अभी यूज़फुल लिविंग थिंग्स, हमारे लिए यूज़फुल लिविंग थिंग्स कौन से है, इसके अभी हमारा जो आखिरी टॉपिक है इसके बारे में हमें देखना है। द प्लांट्स आर यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड एज वेल एज द इंडस्ट्रियल पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल फेरुग्रिक, फेरुग्रिक मीन्स मेथी, पोटैटो, ओकेरा मीन्स भिंडी, एप्पल, बनाना आर यूज एज अ फूड, वाइल द वसाका मीन अडुलसा जो कफ के ऊपर उसको यूज करते हैं, हिरडा, बेड़ा, एस्पेरागस आर यूज एज अ मेडिसिन, सॉरी द एनिमल्स आर यू आल्सो यूज फुल टू अस, द डॉग्स, कैट, काउ, बफेलोज आर केप्ट फॉर द डोमेस्टिक यूज, फिश, शीप, फाउल आर यूज एज अ फूड, वाइल द एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल प्रूव्स यूजफुल इन द वेरियस ऑक्यूपेशन, द अर्थवर्म इज वेरी यूजफुल इन द एग्रीकल्चर। अभी ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ये हमें पता है कि फिश, शीप एज अ फूड करके हम इसका यूज़ करते हैं, शीप है, शीप का उसका हम ऊल एज अ क्लॉथ तैयार करने के लिए, ऑक्स जो है हमारे लिए कैपल वो एग्रीकल्चर के लिए उनका यूज़ किया जाता है ना, ऐसे बहुत से यूज़फुल एनिमल का हमें देखनी है, उसकी स्टडी करने की है। बाद में हार्मफुल लिविंग थिंग्स, अभी हार्मफुल लिविंग थिंग ये यूज़फुल तो हमने देखे, मगर इसके अलावा कुछ हार्मफुल जो लिविंग थिंग्स है इसके बारे में, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर यूजफुल टू मैन, फॉर एग्जाम्पल आर हार्मफुल टू मैन, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो एंड फ्लाइज स्प्रेड अ डिसीज, हमें पता है जैसा मॉस्किटो है, मलेरिया फ्लाइज की वजह से बहुत से डिसीज इसके द डिसीजेज स्प्रेड थ्रू वाटर, बाद में फूड थ्रू, ये फूड में अभी ये डायरिया, डिसेंट्री फ्लाइज की वजह से, जैसा अभी बरसात के दिन है तो बरसात के दिनों में क्या होता कि ये बहुत सारी ये रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन है फ्लाइज का, ये पीरियड में ज़्यादा होता बरसात के दिनों में, और जिसकी वजह से क्या होता कि बहुत सारी फ्लाइज तैयार होती है और वो एक से एक ठिकान से दूसरे ठिकान के ऊपर वो बैठते रहती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके साथ में खुद के साथ में वो क्या है स्प्रेड कॉजिंग जो जर्म्स है वो खुद के साथ में वो कैरी करती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेबल डिसीज इसकी वजह से डिस्पर्स होती। अतः कॉकरोचेस, माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय अवर फूड है ना, बहुत से फूड जो है वो डिस्ट्रॉय करते, डिटोरिएट करते। लाइस, टिक्स, लाइस मीन्स जू है, टिक्स मीन्स उसको हम ऐसा गोछेड़ जो बोलते हैं कुत्तों के ऊपर रहते वो है ना,
आर स्प्रेड डिसीज, द बाइट ऑफ सम पॉइजनस लिजार्ड, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज द डेथ. इफ वाइल्ड एलिफेंट एंटर द ह्यूमन सेटलमेंट दे मे दे कॉज द लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. भाई एलिफेंट जो है, ये वाइल्ड एलिफेंट, ये जब ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ लोग रहते वहाँ आने के बाद में क्या करते कि बहुत सारा लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी बहुत सारा लॉस करते. सर खेत में अगर वो चले गए तो खेत में का जो अनाज है उसको सब क्या कर देते, वो डिस्ट्रॉय कर देते. सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज फॉर एग्जांपल द डॉडर, बाद में पार्थिनियम. पार्थिनियम यानी जिसको हम ये बोलते गाजर कवर है ना, आर वीट्स आर अदर एंड अदर वीड्स. वीड्स यानी हम जिसको खेत में आता हो तन जो बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता कि क्रॉप की वो अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं होने देते. अगर उसकी ग्रोथ अगर अच्छी नहीं हुई तो क्रॉप यील्ड नहीं बढ़ता. क्रॉप यील्ड अगर नहीं बढ़ा है तो जो फार्मर्स है उनको उनकी अच्छी इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से ये वीड्स जो है ये हार्मफुल है ना. प्लांट जैसे एनिमल्स हार्मफुल है तो वैसे कुछ प्लांट भी हार्मफुल है. द पॉट्स ऑफ नेटल, कोलोकेशिया लीव्स कॉजिंग ईचिंग. जैसा अपन कोलोकेशिया है ना, हम जैसा उसको पोथी के पान जो बोलते हैं, उसकी वजह से ईचिंग होती है यानी खुजली आती. प्लांट्स लाइक द ओलियंडर, लैंटना हैव द स्ट्रांग ओडर्स. द धतूरा प्लांट इज पॉइजनस. अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगी एंड अल्गी इन वाटर पोल्यूटेंट्स पोल्यूट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज. अभी ये धतूरा है, ये पॉइजनस है ना. बहुत से अपन बहुत से इसमें पढ़ते कि किसने धतूरे का वो फूल खा लिया या उसके जो सीड्स है वो खाने की वजह से उसकी डेथ हो गई. फंगस है, ये फंगस की अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई, जैसा अपन ब्रेड के ऊपर वो माउल्ड आती, जैसा अपन बुरशी जो बोलते वो खाने की वजह से क्या होता कि डिसेंट्री होती, डायरी होता, वोमिटिंग होती, जिसकी वजह से वाटर लेवल कम हो जाती है और उसकी वजह से डेथ होती बहुत से. और या अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगी एंड अल्गी इन इज इन वाटर पोल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर. अभी अल्गी जो है अपन जिसको शेवाल जो बोलते, पानी के ऊपर वो ग्रीन अल्गी तैयार होती, जिसके वजह से वाटर क्या हो जाता, पोल्यूट होता. इसके वजह से बहुत सारे डिसीजेज भी क्या होते, ये होते फैलते. अभी उसके आगे हमें अभी आखिरी का ट्रॉपिक हमें द वाइल्ड एनिमल. अभी ये एनिमल कुछ एनिमल जो है अभी डिफॉरेस्टेशन शुरू है, इसकी वजह से जो एनिमल्स है ये सब अपन बहुत दफ़े ये सुनते हैं कि गांव में वो शेर घुस गया या लेपर्ड आ गया. ये काय की वजह से हो रहा कि ये डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से उनको जो उनकी सेटलमेंट है ये ह्यूमन ने क्या कर दिया, उनको वो सब डिस्टर्ब कर दिया. डिस्टर्ब करने की वजह से वो सब खाने के लिए कहाँ आते तो शहरों में आते करके उनको एक्सटिंक्ट होने से यानी वो स्पीसीज क्या हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद में फिर अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो ये जो जो बायोडाइवर्सिटी है ये सब डिस्टर्ब होने की वजह से ह्यूमन जो पॉपुलेशन है इसके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. अभी वाइल्ड एनिमल में द वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड कॉल्ड एज एंड प्रीडेटर्स. फॉर एग्जांपल टाइगर्स, लायन, वुल्फ, लेपर्ड. समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर द ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड मे किल द डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल. ये डोमेस्टिक एनिमल उनको भी वो उनको किल करते नहीं, क्योंकि उनकी उनका फूड क्या है, एज अ फ्लैश है, उनको खाने के लिए फ्लैश ही होना, वो ग्रास नहीं खा सकते. तो करके वो ये डोमेस्टिक एनिमल या ह्यूमन बींग्स या पीपल उनको क्या करते, वो किल करते एज अ फूड करते. अभी फाइंड आउट वॉच ए टी वी चैनल सच एज नेशनल ज्योग्राफी. अगर ये नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी ये अगर चैनल अगर देखते होंगे तो वहाँ पे उसके ऊपर ये बहुत वाइल्ड एनिमल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते. इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग
have a class discussion with reference to the collected information. इनके बारे में information collect करने की है. Always remember, many plants and animals in nature satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. We should not pluck leaves, flowers and fruit unnecessarily. जरूरी नहीं तो उस समय हमें अगर उसकी ज़रूरत नहीं तो वो कट नहीं करने को ना, क्योंकि वो हमारी जो बेसिक नीड्स है वो सब हमारी वो पूरी करते हैं. जैसा हमें जैसी सेंस है वैसी सेंस वो एनिमल प्लांट्स को भी है. एनिमल को तकलीफ नहीं देने को ना, उनको हर्ट नहीं करने को ना. वी शुड नॉट प्लक द लीव्स flowers and fruit unnecessarily. The animals should not be hunted. They should not be teased. Teased यानी उनको तकलीफ देना. हम क्या करते हैं कि कुत्ता यानी जो डॉग है एक ठिकान पर बैठे हुआ है, हम उसको जानबूझ के एक खतरा लेते, उसको मारते, ऐसा उनको तकलीफ नहीं देने को. टीज जस्ट फॉर द फन, जस्ट फॉर द फन. It is the responsibility and duty of all us to protect the plants and animals. ये हमारी एक responsibility है, हमारी duty है कि ये सब plants और animals को protect करना. ऐसा ये हमारा अभी ये chapter हो गया. अभी इसके ऊपर जो कुछ question है, question की study करने की है ना. अभी एक इधर साइड में कुछ क्वेश्चन दिए हुए, ये क्वेश्चन पढ़ने के है और इसके आंसर ढूंढने के है और इसके बारे में हम कुछ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे या इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में. अभी ये पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट और एनिमल में हमें क्या डिफरेंस दिखता है, ये इसके पॉइंट नोट करना है. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, अभी ये दोनों में सिमिलर. पहला क्वेश्चन है डिफरेंस प्लांट और एनिमल में का. दूसरा क्या दिख रहा है, द सिमिलैरिटी क्या है दोनों में. हाउ इज द प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस. प्लांट किंगडम, प्लांट जो प्लांट किंगडम मीन्स ये किंगडम में आने वाले किंगडम प्लांटी, उसको ही किंगडम प्लांटी बोलते हैं. यानी प्लांट जो है ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है, वैसे एनिमल किंगडम में हमारे एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है, इनके पॉइंट्स नोट करना बाद में. व्हाट मेक्स द लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. अभी ऐसे कौन से रीज़न है कि जो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग से डिफर कैसे होते, दोनों में डिफरेंट क्या है ऐसे. बाद में व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रीथ, ब्रीदिंग करने के लिए सा ये काय के थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं. सब फिश है, फिश के बारे में हमने पहले देखा. नेट थ्रू कुछ नहीं दिए होंगे तो नेट थ्रू इनकी कलेक्शन करना, ऐसा फिश है. फिश काय के थ्रू रेस्पिरेशन करती, गिल्स थ्रू रेस्पिरेशन करती. ऐसा ह्यूमन बींग्स है, मैन है, काय के थ्रू रेस्पिरेशन करता, लंग्स थ्रू रेस्पिरेशन करता. ऐसे इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अ क्रेन है, कैटरपिलर है, अ स्नेक है, एन अर्थवर्म है, अ बनियन ट्री है, इनके बारे में कलेक्ट करने का है. आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बाद में हम कल और इसके आगे इसके अंदर के क्वेश्चन लिखेंगे. थैंक यू. ओके.